हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरी खेती में। दोस्तों आज है पंडित मथुरा प्रसाद, तालिग्राम रोड, छिवरा हूँ, पोलिस। आज है 29 तारीख। दोस्तों आज की बात कर रहे हैं, इधर इस समय जो निकासी चल रही है, इस समय आलू की निकासी बहुत तेज़ हो गई है। किसान अपना आलू गाड़ने के लिए पूरी तरीके से निकाल रहा है। इधर थोड़ी सी आज बारिश भी हो गई है, यहाँ बहुत हल्की सी इधर बारिश हो गई है। इधर निकासी जो चल रही है, इस समय बीजा की निकासी अधिकतम देखी जा सकती है, जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय बीजा की निकासी हो रही है और जो आलू कतरिया का है वो अभी रखने के लायक नहीं है इस समय, क्योंकि मौसम अब लगातार कभी कभी अभी बीच में बारिश होने के बाद मौसम अपनी करवट ले रहा है। 2 से 3 दिन हो गए हैं उमस भरी गर्मी चल रही है और इधर किसान लगातार अपना आलू की निकासी कर रही है, जैसा कि अभी बात करवाते हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि इस समय निकासी कैसी चल रही है। अब बताएंगे कि इस समय कैसी निकासी चल रही है, किसान आप कितना निकाल रहे हैं? यहाँ बोलिए, 1000-2000 निकल रही है रोज़ की। यहाँ आप उससे लगाइए, कान में सुनने वाला नहीं है। अच्छा, बोलिए कि आलू इसमें 2000 बोरी लगातार निकल रही है। हाँ, 2000 बोरी निकल रही खूब। किसान इसमें बीजा इस समय ज़्यादा निकल रहा है? बीजा छट्टा सब निकल रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। राजकिशोर तिवारी। आप किसान होंगे? हाँ हाँ हाँ। आलू इस समय जो किसान भाई आलू की पहली बार खेती करना चाहते हैं, उनको कुछ सजेशन दे दीजिए, खेती कैसे आलू की करनी चाहिए? खेती का मौसम है संग कैसे दे रहे हो तुम्हारा सब? नहीं, आप बताइए, जैसे कोई कोई किसान हैं जो पहली बार आलू की खेती करना चाहते हैं, उनको बताइए किस तरीके से खेती करनी चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ सब किसान पुराने ही हैं घर के जी। नहीं है, हमारे यहाँ जो वीडियो कुछ लोग देखते हैं उनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि आपको ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो बहुत सारे लोग देखते हैं जो पहली बार, कभी कभी इच्छा होती है कि आलू, हमको आलू की खेती करना चाहिए, उनको आप बताएंगे कुछ कैसे खेती करें? अरे हमें इतनी जानकारी नहीं, अपने हिसाब से ही आलू हम तो लोग करते हैं। तो आलू का सही आप ये बताइए, सही मौसम कौन सा रहता है, किस महीने में सही रहे तो आलू को नुकसान कम होगा? बिल्कुल मौसम सही है, अब जो यही टाइम है आलू का, अक्टूबर के माह के बीच में आलू रख देना सही। बस बस, हाँ, 20 अक्टूबर तक पक्का आलू भी रखे भैया चाहिए। और कच्चा आलू रखने का समय कितना होना चाहिए? पूरा चल रहा हुआ सही है, बिल्कुल जाए इसी टाइम पे आलू गाड़ो जाते। ये मौसम है। चलिए इन भाई साहब से कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ आप अपना अनुभव बता दीजिए। आप अपना अनुभव बता दीजिए। तो कच्चे का समय कितना रहना चाहिए? जो कच्चे का समय चल रहा, बारिश हो रही है, आदमी क्या करे, मजबूर। पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब बारिश हुई थी तब कच्चा और पक्का एक साथ हो गया, कि हमें लग रहा है इस बार भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही इस बार है, सब इकट्ठा ही हुई है, कच्चो पक्को, कच्चा और पक्का एक ही साथ जाएगा, सब पक्का बिल्कुल इकट्ठा ही हुई, मजबूरी है। पिछली बार भी ऐसा 15 दिन और रुको, कच्चो पक्को हुई हो सब। तो कच्चे में ज़्यादातर आलू ख्याति और पुखराज रखा जाता होगा? हाँ, सबसे यहाँ यही दो टक्कर ले पाते होंगे, आलू नहीं ले पाते। ख्याति, पुखराज और यशवंत ऊपर, ये तीन ही हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। संजू सिंह। कहाँ से हैं? हाँ थे। आलू आपने अपनी निकासी करवाई है? कितने पैकेट निकलवाए? ये 20 पैकेट हैं, गुल्ला। तो इस समय ज़्यादातर जो किसान आलू निकाल रहा है वो गुल्ले ही निकाल रहा होगा? गुल्ले ही आना भाई जाहिर हुआ है, क्योंकि कतरिया अब रखने लगे चांद ही नहीं कोई सड़िए। कतरिया वह चले करीब 15-20 दिन बाद। यानी कि जो कतरिया का समय रहेगा वो 20 अक्टूबर के बाद रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी कतरिया सड़ने का चांस बहुत है, अब गर्मी पड़ रही है ना, अब गुल्ला जाहिर हुआ है। अगली जानकारी आपको देंगे, तब तक के लिए जय हिंद।